हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत किया जाता है तुहाडा अपनी यूट्यूब चैनल पंजाबी क्लास स्टडी दे विच। ते अज दी इस वीडियो विच तुहाडे नाल शेयर करन लगे हां क्लास 11वीं दे लई इंग्लिश दा वेरी वेरी इंपोर्टेंट पेपर फुली सॉल्वड। ते अज दी इस वीडियो विच जिहड़े तुहानू पेपर मिल जा रहा है, ये तुहाडे पेपर की तैयारी के लिए इंपोर्टेंट पेपर है। ठीक है जी, कल्ले कल्ले क्वेश्चन तुहानू अज दी इस वीडियो विच आंसर दस्से जाणगे। अते जिहड़ी असीं ने इस वीडियो विच जिहड़े क्वेश्चन शेयर करांगे अज दी इस वीडियो विच तुहाडे लई वेरी वेरी हैल्पफुल होण वाले ने, क्योंकि जिहड़े तुसीं अज इस क्वेश्चन पढ़ोगे तुहानू फाइनल दे विच वी आ सकते हैं। तो वीडियो नूं एंड तक जरूर देखना। जे कोई चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल सबसक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगर भी तुम्हें इस तरह पेपर मिलते रहेंगे। तो वो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अज्ज की वीडियो शुरू करते हैं। अरे तो इस पेपर का पीडीएफ भी देवेंगे, पीडीएफ दसेंगे तुम्हें कितने मिलेगा। तो स्टार्टिंग तो आप पहले दिखाने गए, सब तो पहले यह पैरा जाऊगा। ठीक है जी, दिता हुआ कॉम्प्रीहेंशन जैसा देख सकते हो, क्लास 11 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, मैक्सीमम मार्क्स 80 मार्क्स, तुम्हें पेपर 3 घंटे तुम्हें समय दिता जाएगा। सब तो पहले तुमने आ रीड का पैसेज पढ़ना गा, सब तो पहले आ दिता हुआ जरा, इस बाद जो नीचे आंसर दिए हुए लग जाएंगे। चलो आप शुरू तो आप इस आंसर दिखाने गए। ठीक है जी, वेरी वेरी सिंपल ये आंसर ने गए। ठीक है जी, आप दिखा देने जिम्मे कि पहला, वैन मैन रिन्स हिज इंपल्यूस एंड पैसन ही यील्ड्स अप हिज, कि वह यील्ड करता वह करता गा जाने कि मोरल फ्रीडम। ठीक है जी, मोरल फ्रीडम आंसर भी दिखा देने, कितने आ हाँ जी आ गया यील्ड अप हिज मोरल फ्रीडम, तो जो आंसर है इसका मोरल फ्रीडम, ये आंसर आ गया। इस तो दूजा प्रश्न थोड़ा, हाँ जी देख सकते हो, इन द एबसेंस ऑफ मोरल फ्रीडम मैन बिकम्स अ स्लेव ऑफ, मैन बिकम अ स्लेव ऑफ, तो दूजा आंसर आ जो स्ट्रोंगर डिजायर, जाएंगे स्ट्रोंगेस्ट डिजायर, तो इसका आंसर दिखाने तुम्हें कितने लिखा हुआ। हाँ जी, इसका जो आंसर आ ये लिखा हुआ स्लेव ऑफ हिज स्ट्रोंगेस्ट डिजायर, आसान होंगे ने बिल्कुल। ठीक है जी, घबराना नहीं, तो सब तो पहले तुमने पैरा पढ़ना, उस तो बाद इस आंसर अपने आप ही लग जाएंगे। टू बी मोरली फ्री मैन मस्ट बी एबल टू रजिस्ट द, की रजिस्टर करना चाहिए गा, तो इसका जो आंसर है वह बनूगा थोड़ा तीजे का होगा थोड़ा आंसर सी, यानी कि इंसटेंसिटिव इंपल्स। ठीक है जी, इंसटेंसिटिव इंपल्स का इसका आंसर दिखा देने एक बार तुहानू। हाँ जी, ये आऊगा थोड़ा रजिस्ट द इंपल इंसटेंसिव प्लस, तो आ गया थोड़ा इंपल्स। ठीक है, इस बाद नैक्सट है थोड़ा फोर्थ, फोर्थ की है, इन द बाइबल प्रेस इज गिवन टू मैन हू इज़। ठीक है जी, उगा हुआ इसका आंसर थोड़ा फोर्थ का आंसर आऊगा डी, यानी कि स्पिरिचुअली स्ट्रोंग, यह होगा थोड़ा डी, चौथे का स्पिरिचुअली स्ट्रोंग, तो इस दिन आंसर है। हाँ जी, तो जो पहला आंसर थोड़ा ई पेगा, तो इस तो बाद जो है हाँ जी ये उरी तुम्हें मिलेगा कितने, तो चंकी तरह इन्हों देख लो, तो ये आसानी मिल जू तुम्हें आंसर, तो आप दिखाने अगे अगले का आंसर। ठीक है जी, जिसका देख सकते होंगे, तो इस तो बाद मैं दिखाने अगला प्रश्न का आंसर। ठीक है, जिसका देख सकते होंगे ये डी कर दे नोट, चौथे का डी, इस तरह पंजवा गा द स्ट्रोंगर मैन इज ही हू कंट्रोल्स हिज थॉट स्पीच एंड एक्ट वाई, तो इसका जो आंसर आ पंजवें का वह होगा थोड़ा बी, यानी कि डिसप्लेन। इस बार सेम द विस्कस डिजायर वैन इंजस्ट इन बिकम्स, इसका आंसर होगा जो सिमें का आंसर होगा ए, यानी कि क्राइम्स। ठीक है जी, इस दे नाल जिहड़े तुहाडे सी कंप्लीट हो रहे हैं पैराग्राफ वाले, और इस तो बाद जिहड़े दिते हुए चार ये भी तुहानू पैराग्राफ च मिलेंगे। ठीक है जी, आंसर ने जिहड़े आह, तो ये भी तुहानू आपां दिखाउणे आ कि एक बार मैं तुहानू लिख के दिखा देना। ठीक है, टाइप करके इन्हां दे आंसर, वैन डज द मैन यील्ड अप हिज फ्रीडम, तो दूजा हैगा वैन डिड कैन मैन बिकम मोरली फ्री, ते वन वट फॉर्म द प्राइमरी बेसिक ऑफ इंडिविजुअल करैक्टर, वन डू विस्कस डिजायर फॉल इन टू इन सिग्निफिकेंस, तो इस मैं आंसर दिखाना तुहानू। हाँ जी, देख सकते इस दे आंसर जिस तरह देख सकते हो, वैन डज द मैन यील्ड अप हिज मोरल फ्रीडम, मैन गिव द रिजाइन टू हिज इंप्लिसिस एंड पैसन, वैन ही फॉर्म दैट मूवमेंट ही यील्ड अप हिज मोरल फ्रीडम। इस तो बाद दूजा, वन कैन मैन बिकम नॉर्मली फ्री टू बी मोरली फ्री, तो यह देख सकते हो, पैर चो सुन मिल जूगा आंसर, एक बार मैं दिखाता तो सैंपल। तो तीजा जो है तो इस तरह मिल जूगा, नैक्सट जो है तो नौवा तो इस तरह मिल जूगा। इस तो बाद जो अगला गा, हाँ जी लास्ट है जो दसवां यह है, वैन डू विस्कस डिजायर फॉल इन टू द इनसिग्निफिकेंस, तो जो है इनसिग्निफिकेंस का, तो यह इसका आंसर है। हूँ आप देंगे पेपर वाल, हाँ जी पहले पैसेज तो बाद आऊगा दूजे नंबर पर, आह पैसेज ये भी है थोड़ा सी नंबर का, इस भी तो सामने मिल जाएंगे। सब तो पहले तुम आह देख लो पैराग्राफ, ठीक है जी पैसेज, इस बाद जो ही आंसर मिल जाएंगे। हाँ जी, आपको कल कल का आंसर दस देने, जिमें कि फस्ट हैगा, फस्ट हैगा तुम देख सकते हो, फस्ट हैगा हाइजीन रैफर टू प्रैक्टिसिज दैट लैस टू गुड हैल्थ थॉट, इसका होगा थोड़ा आंसर पहले का, पहले का होगा ए, यानी कि बैलेंस डाइट। इस बाद दूजा गा लाइफ विल बिकम वर्थलैस लिविंग थ्रू, ठीक है जी, इसका होगा थोड़ा दूजे का, दूजे का होगा थोड़ा सी, यानी कि प्योर माइंड। ठीक है जी, इस दो कंप्लीट हो रहे हैं। इस तो बाद थर्ड, वट डज़ द टर्म हैल्थ रैफरस टू, रैफरस टू की करता हैल्थ,
तो इस बार फोर्थ है तुहाडा कैन अ वैल्दी वट अनहैल्दी मे इंजॉय लाइफ। तो इसका आंसर दिखाने तुम्हें इकट्ठे दिखाऊंगा मैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड यानी कि द सिलेक्शन इन आर्मी सर्विस इज मेड प्योरली ऑन। तो इसका मैं आंसर दिखाऊंगा एक बार। सब तो पहले मैं इस बाद मैं तुम्हें ये करवा देना गा, ठीक है जी, जो दिता होगा। सब तो पहले आप इन्हें आंसर देख देने तीन ने तुम्हारे। हाँ जी देख सकते हो आंसर इन्हें। हाँ जी ये है कि उन्होंने आंसर जिम्मे कि तीजा है। सब तो पहले तीजा आ रहा है, देख सकते हो। वट द टर्म हैल्थ रैफरस टू, रैफरस टू आ कर दिया इन टर्म, ये आंसर देख लियो। कैन अ वैल्दी बट अनहैल्दी मे मैन इंजॉय लाइफ, तो इतने दिता हुआ आंसर। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड, ठीक है जी, दिता हुआ पैसेज। तो इतने अगर थोड़ा जो इतने प्योरली ऑन हैल्थी लाइफ स्टाइल यानी कि हैल्दी लाइफ स्टाइल से, तो इतने जी इस आजगा थोड़ा है प्योर हैल्थी लाइफ स्टाइल, ठीक है जी। इस बाद आप देख देंगे पेपर वाल। हाँ जी मैं उदे तक तुम्हें मैं करवाई दिता, ठीक है जी। जो पांचवें तक इस तो बाद है सिम आ, सिम मैच द वर्ड विद द कोलम ए एंड बी। तो जो फ्रैश का होगा, फ्रैश का होगा स्टेल, ठीक है जी। इस तो बाद है थोड़ा प्रिजर्व का होगा थोड़ा यूज, ठीक है। फ्रैश का होगा प्रिजर्व का यूज, हाँ जी ये थोड़ा इस तरह हो गया। इस तो बाद सैक्शन बी आ गया। सैक्शन बी में सब तो पहला है तो देख सकते हो राइटिंग स्किल्स, ठीक है जी। ग्रामर ट्रांसलेशन ये होगा थोड़ा 26 नंबर का होगा। पहला जिम्मे कि देख सकते हो यू आर अर्जन द हैड बॉय ऑफ द जमशन कन्वर्टन, ठीक है जी, दिता होगा। जे इस तो बाद है इस दोनों लैटर ऑप्शन आ गई, ये तो चार नंबर के ने, ठीक है जी। इस तो बाद जिम्मे कि नीचे दिता होगा। तो यी है जो एक है थोड़ा न्यूज़पेपर हैडलाइन आ, ठीक है जी, न्यूज़पेपर हैडलाइन तो एक नोटिस आ, सॉरी आ जो पहला है ये नोटिस तो हैड न्यूज़पेपर हैडिंग और आ, ठीक है। यह है तो चार नंबर का। इस तो बाद जो एक लैटर दिता हुआ, एक उत्ते लैटर दिता हुआ, ठीक है जी। इन्होंने लैटर के और आ, यह है 6 नंबर के। चलो मैं थोड़ा इन दोनों किसी के आंसर दिखाऊंगा, ठीक है जी। हाँ जी देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये दिता हुआ नोटिस, ठीक है जी, जो दिता हुआ, ठीक है जी। ए बी सी पब्लिक स्कूल नोटिस, ठीक है जी। 18 इतने ए लिखना है। इस तो बाद लॉस्ट लंच बॉक्स फाउंड, ठीक है जी। आई एम हेयर टू इनफॉर्म यू ऑल दैट आई हैव फाउंड ए न्यू लंच बॉक्स इन द स्कूल कैंपस। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड आई हैव सबमिटेड द लंच बॉक्स इन प्रिंसिपल ऑफिस। हूएवर इज़ द ऑनर ऑफ दिस लंच बॉक्स कैन टेक इट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस। नसैसरी डिटेल्स ऑफ दैट लंच बॉक्स इज गिवन। कलर सीगा जो लंच बॉक्स का पिन पिंक सीगा, शेप सी रैक्टेंगुलर सी, इनसाइड द लंच बॉक्स वन स्पून सी वन फॉक सी। इस बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, इस बाद लिखना है उरे जो दिता हुआ तो अर्जुन दिता होगा, अर्जुन आ जाएगा उरे, ठीक है जी। इस तरह जो है आऊगा इस तरह बन जूगा, ठीक है जी। इसका वो नोटिस तो यह चंकी तरह नोटिस में पढ़ लो, ठीक है जी। तो देख सकते हो नोटिस। इस बाद वेगा आप एप्लीकेशन वाल। हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसा देख सकते हो ये है थोड़ा लैटर जिम्मे कि 55 मॉडल टाउन, ठीक है जी। इतने दिता हुआ सिविल लाइन सिटी सॉरी सिटी आजगे, इतने सितंबर इधर डेट आज, ठीक है। टू किसान लिख दोगे इसको, तो इस तरह तुम सारा आजगा इतने। इस बाद जिम्मे कि दिता हुआ स्टार्टिंग की हुई, बाकी अपनी अकॉर्डिंग अपनी बुक भी कर सकते हो, जिस तरह तुम्हें आसान लगती हैगी। यह जिनी भी दिती हुई चंकी तरह इसको नोट कर लो, वीडियो रोक के सारी तुमने जी दिती हुई है लैटर आसानी ना तुमने पढ़ लेनी है। इस बाद लास्ट से होंगे गा थैंकिंग यू योर फेथफुली, जिस तरह तुम्हारे टीचर ने कराया इधर लिखा जाऊगा एड्रैस या इधर लिखा जाऊ उसके अकॉर्डिंग तुमने लिख देना गा, ठीक है जी। और इस तो बाद वेंगे आप अगले क्वेश्चन वाल। हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे तुम देख सकते हो कि ये जो थोड़ा मैं करवा दिते हैं चौथे नंबर वाला देख सकते, दूजे नंबर वाला अर्जन वाली एक मैं तुम्हें आह करवा दी है, ठीक है जी। नोटिस ये है चार नंबर की। इस तो बाद मैं तुम्हें करवाई है डिप्टी कमिश्नर वाली, ठीक है जी। ये तो करवाई है लैटर ये है 6 नंबर की, ठीक है जी। उस तो बाद नीचे आ रही है कि फोर्थ नंबर से ये ट्रांसलेशन इंग्लिश टू पंजाबी, यानी कि तुम्हें इंग्लिश दिता हुआ तुम्हें पंजाबी में करना गा। और मैं इसे तुम्हें आंसर भी दिखा देना, ठीक है। जिस तरह देख सकते होंगे इस तो बाद तीजी हैगी, ठीक है जी। इन्होंने कोई दो तो दो की ट्रांसलेट करनी है, और इस तरह ही तुमने पंजाबी भी दिता हुआ तो इसमें इंग्लिश करना गा, इसकी भी ट्रांसलेशन करनी है। आओ दिखाने तुम्हें इन्होंने आप आंसर। हाँ जी जैसे देख सकते हो ये हैगा तुम्हारा इंग्लिश टू पंजाबी, ठीक है जी। इंग्लिश टू पंजाबी, ठीक है जी। कोई दो कारण ने, अच्छा जिम्मे दिता हुआ द फादर इज़ एयरनिंग द क्लॉज, यानी कि इतने लगे हुआ है, इतने लगे हुआ सिंपल कॉन्टीन्यूस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस लगे हुआ सेंटेंस, जिम्मे कि इतने आऊगा पिता कपड़े इस्त्री कर रहा है, यानी कि इतने लिख सकते हैं जी फादर पिता कपड़िया प्रेस कर रहा है, इस तरह लिख सकते हो पिता कपड़िया प्रेस कर रहा है। आयरनिंग का मतलब इस्त्री आ जाएगा इंग्लिश के। इस तो बाद हैज ही कास्ट हिज बोट, इस तो बाद इंटरोगेटिव बनया हुआ कि उसने अपनी बोट पा पाई है। इस तो बाद आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर लास्ट मैनी डेज, ये आ गया तो यह भी उ, ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है,
मैं पिछले कई दिनों तो यह किताब पढ़ रहा हाँ, तो इतने तुम चंगी तरह इसको पढ़ लो। इस बाद आप देख देंगे पंजाबी तो इंग्लिश। हाँ जी सर, देख सकते हैं ये है पंजाबी तो इंग्लिश। उसने नवा संगीत नहीं सुनाया, ही डिड नॉट लिसन टू न्यू म्यूजिक। जाने की हैगा तो सिंपल ये हैगा पास्ट है, ठीक है जी। तो इस तो बाद है जिमें कि दूजा पहलवान कुश्ती जित लवेगा, ये हैगा तो सिंपल फ्यूचर, ठीक है। जिमें कि द रेस्टलर जाने कि रेस्टलर द रेस्टलर होगा पहलवान विल विन द रेस्टिंग मैच, ठीक है जी। इस तो बाद है नैक्सट मैनू तंग ना करो, डू नॉट अनोय मी, ठीक है जी। डू नॉट अनोय मी तो यह है तुहाडे आंसर। तो इस बाद वध देंगे आप अगले क्वेश्चन वाल। हाँ जी सर, देख सकते हो मैं तुहानू ट्रांसलेशन कर दी है। इस तो बाद आ गए तुहाडे डू एज डायरेक्ट से देख सकते हो तुम ही इज़ डैश बेस्ट पॉलिसी, ठीक है जी। होनेस्टी सॉरी होनेस्टी इज़ डैश पॉलिसी। तो होनेस्टी इज़ कि पॉलिसी हैगा, तो जिन्हें जिन्होंने इसका पता है आंसर जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स भी दसो, देखते हैं आप किन्ना किन्न इसका आंसर पता है। चलो मैं दस ही दिना, होनेस्टी इज़ द आऊगा, ठीक है जी। द इतने डैश से आऊगा द। इस तो बाद दूजा है हैव यू गोट डैश मनी, हैव यू गोट एनी मनी, ठीक है। इतने आऊगा एनी सम तो एनी च ऑप्शन होंगी होंगी कई बार इतने, तो इतने आऊगा थोड़ा एनी। इस तो बाद है थोड़ा बी। बी की हैगा अ ब्रिस्क वॉक इज द डैश द हार्ट, ये आऊगा थोड़ा फिल सूटेबल प्रैपोजिशन जिमें कि आप देखता रिच डैश हैल्प द पुअर शुड है कि है, इतने आऊगा थोड़ा शुड द रिच शुड हैल्प द पुअर, ठीक है जी। इतने आऊगा एक बार तुम जो बी हैगा ये तुम देख लेना अपनी बुक वगैरह विचों। तो आप इस तो बाद अगला दिखाने तुम्हें जी अगले ने मैं तुम्हें एक बार इन्हें आंसर वाले ले जा चलदा, ठीक है जी। जिमें कि दिते हुए नेगे नरेशन दी हुई हैगी, ठीक है जी। नरेशन करवाना वॉयस करवाना जी दिते हुए नेगे आप करवा देने, ठीक है जी। आओ मैं तुम्हें दिखाऊंगा इन्हों के आंसर। हाँ जी देख सकते हो ये है इन्हों के आंसर। यूज़ बुक एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब, ठीक है जी। बुक में यूज़ करना एज अ नाउन तो एज अ वर्ब, तो वर्ब तो आजगा ही बुक द टिकट फॉर विश टू यू, नाउन चाहूगा ही टुक आउट इंग्लिश बुक फ्रॉम हिज बैग, ठीक है जी। इस तरह नाउन के आजगा। तो इस तो बाद है ई जाने कि नैक्सट आ गया थोड़ा ही एडमिट हिज फॉल्ट चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट, जाने कि पास्ट परफेक्ट चेंज करना इसको। ये दिता होगा अपन, हाँ जी ये दिता हुआ देख लो तुम्हें, दिता हुआ सिंपल दिता हुआ सिंपल पास्ट के पर पास्ट परफेक्ट के यूज लाना गा। पास्ट परफेक्ट का होंगे अपना रूल सब्जेक्ट प्लस, ठीक है जी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्लस ऑबजेक्ट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है जी। तो हाँ जी देख सकते इतने हिज फॉल्ट वॉस एडमिटड बाय हिम, हिज फॉल्ट वॉस एडमिटड बाय हिम, जोड़ा इतने गलत लग्या हुआ है, ठीक है जी। क्योंकि जो इतने इन्होंने क्या उन्हें पास्ट परफेक्ट लाओ, परफेक्ट के जोड़ा हों परफेक्ट हैड आ जाता हों, तो इतने इन्होंने लाया हुआ वास, वास तो इतने आता ही नहीं, तो यह इन्होंने बनाया हुआ पैसिज, पैसे बनाया हुआ, ठीक है जी। क्योंकि इतने पैसे बनाए हुए कई विद्यार्थी आई होंगे, तो ही मैं तुम्हें यह समझा रहा इतने जोड़ा आता हों परफेक्ट का होंगे गा हैड हैड, ठीक है जी। इतने पर जोड़ा यह हैगा ये बनया हुआ है जो पैसिव, पैसिव के फॉर्म उरे होंगी है कि वास होंगी है, ठीक है जी। वास के नाल थर्ड की वर्ड की थर्ड फॉर्म लगती होंगी, तो इस तरह आजगा इसका आंसर। हिज फॉल्ट वास एडमिटेड बाय हिम, ठीक है जी। इस बाद नैक्सट है तुहाडा एफ, ही इज टू कंपाउंड टू लूज टैंपर, रिमूव टू टू रिमूव करना इतों, ठीक है जी। ही इज सो कंपाउंड दैट ही कैन नॉट लूज टैंपर, ठीक है जी। इस बाद नैक्सट है तुहाडा सी इज सो वीक दैट सी कैन कैन नॉट सिट, इस द इस भी अपने टू रिमूव करना सॉरी इतने अपने लाना है टू लाना यूज करना टू, सी इज़ टू वीक टू सिट, ठीक है। जिस तरह यह नौ लाने होंगे ने अपने अंदाजे लाने होंगे भी ने किमें मन रहा है। तो इस बाद नैक्सट ने गए, हाँ जी नैक्सट हैगा जिम्मे आप देख सकते ही इज़ सिंगिंग अ सोंग इज संग बाय हिम, जाने की वॉयस आ गई। वॉयस के की रोल हों जो अपना मूल सब्जेक्ट हों, ठीक है जी। वह बन जाता गा जो बजा के वह बन जाता ऑबजैक्ट, और जो अपना ऑबजैक्ट हों लग जाता मूहरे सब्जेक्ट, ठीक है जी। वॉयस के ये रोल हों वॉयस का, तो जिमें कि है लास्ट वाला अ सोंग, लास्ट वाला अ सोंग मूहरे आ गया तो इस उरी पिया रह गया, तो जो संघ आ संघ उरे वर्ड की थर्ड फॉर्म लग जाती हूँ सारिया चीज़ें जी, ठीक है, ठीक है जी। थर्ड फॉर्म लगेगी जोड़ा ही आ गया, ही की जगह से आएगा हिम, ठीक है जी। ही की जगह हिम जिम्मे आई की जगह से लगेगा मी, ठीक है जी। इस तरह सचिन की जगह से सचनी लगेगा, ठीक है जी। इस तरह होंगे गा जिमें क्या दिता अ सोंग इज संघ बाय मी, आई हैव टेकन अप अ जॉब न्यू जॉब अ न्यू जॉब हैज़ बीन टेकन बाय मी, अजय रूल हों रूल देखना होंगे गा, अपने रूल याद रखने पैणगे तुहानू। चेंज द नरेशन, सचिन सेड आई डो नॉट वॉन्ट टू प्ले एनी मोर, जाने कि वह कहेंगे गा भी मैं होर ज़्यादा खेड नहीं सकता, तो इसका आंसर आऊगा
सचिन सेड दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले एनी मोर। ठीक है जी, ये तुहाडा आंसर है। इस बात हैगा ही सेड टू मी वैन इज यूर लास्ट पेपर। उसने भी ना दस किया उसने भी ना कदों तुहाडा लास्ट पेपर आ। ही आस्कड मी वैन माई लास्ट पेपर इज वास। ठीक है, इस तरह इन्होंने बनाया हुआ है, चंगी तरह इसको पढ़ लेना। इस तो बाद जिम्मे कि आ गए नैक्सट आऊगा तो मैं एक बार दिखा देना गा। ठीक है जी, क्वेश्चन वाले लैक चलदा। हाँ जी सर, देख सकते हो मैं उदे तक तुम्हें करवा दते हैं कि इस तरह फॉरमेट के सके दो कोई दो दा सी, कोई लास्ट तो जो है नरेशन वगैरह वाले ये जिम्मे कि एक एक देती सारे ये मान लो एक एक दे सारे सके। इस तो सैक्शन सी आ गया लिटरेचर, 38 नंबर की लिटरेचर आओ तो जिम्मे कि पहला गा वट डज एपरो मीन, एपरो का मतलब की है। तो यह जो सारे क्वेश्चन ने मैं तुम्हें इन्हों के आंसर वाले जाया चलदागा। ठीक है, जिस तरह 10 क्वेश्चन है ये इन्हें 10 दे मैं तुम्हें आंसर दिखा गा। हाँ जी स्टूडेंट्स, जिस तरह देख सकते हो तुम इन्हें आंसर ने गए। एपरो का मीन होंगे गा अप्रूविंग। ठीक है जी, एंड द एक्ट ऑफ अप्रूविंग। इस तो बाद है इन द केस ऑफ अलगू हू वाज चूजन एज अ हैड पंच। हैड पंच लिए कौन चूज किया गया सी, अलगू वाज मेड द हैड पंच बन गया सी। तो इस तो बाद जो कि आगा द ग्रैंड मदर रीड डैश एट टैंपल होली बुक, यानी कि होली बुक आजगा इसका आंसर हो रही होली बुक। आ गया काफ़ी अना वाज द डैश ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज द, हाँ जी आप दिखाने इसका इसका आंसर आऊगा। हाँ जी, इस जो आंसर है तुमने ये देखना गा ये शायद इतने हैगा प्रेजीडेंट, बट तुम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दसना इस चौथे का आंसर जो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दसू। उसका आप कमेंट लाइक करेंगे तो पिन करेंगे, देखते हैं भी ना कि सब तो पहला इसका आंसर दसदा। ठीक है, इस तो बाद नैक्सट है थोड़ा पांचवा। पांचवा देख सकते गिव द नेम ऑफ मेजर सोहन फादर, इतने मेरे फोन का फादर आ। इतने हैगा थोड़ा जिम्मे कि आंसर हैगा ये देख सकते हो, इसका आऊगा थोड़ा पहले का, इसका फ्रीडम आऊगा। ठीक है जी, इस बाद हू रोट द स्टोरी आग। ठीक है जी, इसने की स्टोरी। इस बार नैक्सट है थोड़ा जिस तरह देख सकते हो कि हाँ जी ये नैक्सट जो आगा इसका आगे ट्रू। ठीक है जी, 8वें का ट्रू आऊगा। इस तो बाद रोट आ स्टोरी किसने रोट की, इसने की थी हू वाज रामनाथ कौन सी ब्लेस जैलदार सगा। तो इसका जो आंसर इस तरह मान गए। इस तो बाद जो आऊगा स्टेंजा, एक बार कौन से पेपर दिखाने तो। हाँ जी देख सकते हो ये हैगा थोड़ा स्टेंजा, स्टेंजा दिता होगा ये। ठीक है जी, इन्होंने दोनों में और दिती हुई हैगी जो आ उतला गा। चलो मैं तुम्हें एक बार उतला दिखाऊंगा क्वेश्चन कितने ने। हाँ जी आता हुआ स्टेंजा, ये स्टेंजा है थोड़ा 4 नंबर का, जिम्मे कि दिता हुआ तुमने य सारा लिखना गा इतने आंसर इसका बना के लिखना गा। तो जिस तरह देख सकते होंगे, हाँ जी मैं इस आंसर दिखाऊंगा। इस तो बाद 8वें नंबर पर आऊगा तुमने सेंटर एडिया करना गा पोएम का इन दोनों। इस तो बाद आंसर आऊगा 9वें के आंसर यानी 3 क्वेश्चन की बी वर्ड्स, यानी कि कोई वर्ड बी वर्ड के आंसर देने ने, यानी कि ये होंगे थोड़े 3-3 नंबर के। तो मैं ये दिखाऊंगा तो आंसर। ठीक है, इन्होंने कोई 3 कर देने बट मैं तुम्हें 4 सारे दिखाऊंगा। इस तो बाद नैक्सट भी आऊगा आंसर है 2 क्वेश्चन इन बी तो आ। ठीक है जी, दो आंसर देने हो 4 के। चलो मैं इन्होंने भी आंसर दिखाऊँ तो। इस तो बाद 11वें नंबर पर आऊगा तो आंसर है 1-1 लिखना होगा इन्होंने दोनों में कोई ए होगा तो 3 नंबर का इन्होंने और आगा। ठीक है जी, इस तो 12वें नंबर पर आएगा इन्होंने भी दोनों में किसी का एक का लिखना होगा ये 3 नंबर का। इस तो बाद गुड हैंडराइटिंग दसिया हुआ, गुड हैंडराइटिंग तुम्हें मिलेंगे 5 नंबर तो ये तुम्हें नोट कर लेना। ठीक है, चलो मैं इन्होंने आप आंसर दिखाने। हाँ जी देख सकते हो ये हैगा स्टेंजे के आंसर, स्टेंजे के आंसर जिम्मे कि आ पहला क्वेश्चन आ, तो इतने दिता है पहला आंसर, तो इतने दूजा क्वेश्चन है दूजा आंसर, तो तीजा क्वेश्चन तीजा आंसर, चौथा क्वेश्चन चौथा आंसर। तो यह नोट कर लो, इन्हें आंसर वीडियो रोक के सारे देख लियो। इस तो बाद जिम्मे कि सेंटर एडी का पोएम पोएम हैगी जी कि जिम्मे कि द किंग आ दिती हुई जी पोएम द किंग ऑफ ब्यूटी इज़ द जॉय फॉर एवर। ठीक है जी, आ दिता हुआ सेंटर एडिया आ है थोड़ा सेंटर एडिया, इसमें चंकी तरह रोक लो रोक के वीडियो पढ़ लो। ठीक है जी, इस तो बाद है थोड़ा अगला क्वेश्चन जिम्मे कि आ रहे हैं आ पढ़ लो क्वेश्चन आ देख लियो। ठीक है, चंकी तरह इन्होंने वीडियो रोक के सारे क्वेश्चन के आंसर देख लो। ठीक है जी, इस तो बाद जो आ क्वेश्चन है इन्हें आंसर देख लियो। ठीक है जी, क्योंकि मैं पढ़ा तुम ता नहीं रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है, बट तुमने वीडियो एंड तक देखना नहीं मैंने पता है, तो करके मैं ये दिखा रहा हाँ तुम्हें कले कले क्वेश्चन। ठीक है जी, आ जमें दिते हुए ने सारे क्वेश्चन के आंसर तुम्हें पढ़ लेने है। ठीक है जी, इस तो बाद जमें दिते हुए इन्होंने क्वेश्चन पढ़ देना, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है इस पढ़ देना। तो जो आ दिता होगा थीम लिखना है पंच परमेश्वर का, ये वैरी वेरी इंपोर्टेंट है। इस जोड़ा पेपर कंप्लीट हो रहा क्लास 11वीं का इंग्लिश का वैरी वेरी इंपोर्टेंट पेपर, चैनल में जरूर सबसक्राइब कर देना क्योंकि हूँ तो लास्ट पेपर आगा सितंबर का, इस तो बाद नवंबर में पेपर होने, उस तो बाद अगे पेपर प्री बोर्ड, उस तो बाद फाइनल पेपर, सारे पेपर में थोड़ी हेल्प की जाऊगी। तो जी भी कोई पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की न्यूज़ आती है कोई अपडेट आती है सब तो पहले अपने चैनल पर मिल जाएगी, और सारे पेपर की तैयारी अपने चैनल पर करवाई जाऊगी। तो चैनल कर लो सबसक्राइब क्योंकि इस तरह के पेपर ने जो सिर्फ अपने चैनल पर मिलते हैं। यह क्लास 11वीं का इंग्लिश का वैरी वैरी इंपोर्टेंट पेपर फुली सोल्वड, तो वीडियो में एंड तक जरूर देखा होगा तुमने, जिन्होंने देखा उन्होंने धन्यवाद, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दस देना जैस जिन्होंने वीडियो
एंड तक देखी है। एक बार नीचे जैसे लिख दो जिन्हें जिन्होंने वीडियो एंड तक देखी होना, मैनू हौसला होगा कि कई विद्यार्थी जो है कि मेरी वीडियो देखते हैं एंड तक। तो अज की वीडियो सिर्फ इन्ना ही, आओ मिलता है किसी होर वीडियो के नाल। तद तक लिए धन्यवाद।